हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आ गया है धीरू भाई फिर से आपके पास एक नया ब्लॉग लेके। बट ये आज का ब्लॉग ऐसा वैसा ब्लॉग नहीं होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज इसमें इंफॉर्मेशन ब्लॉग है ये, जो कि हमारे क्षेत्र में जो सोमनाथ मेरा बहुत ही भव्य रूप से लगता है आया है, उसकी प्राचीनतम कथाएँ और पौराणिक कथाएँ जो हैं वो आज हमने पिताजी के द्वारा सुनेंगे, जो हमने अभी तक नहीं सुनी है, जो हमसे उन्होंने भी बुजुर्गों से सुनी। जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी है, और हम अपने पिताजी उनसे सुनेंगे, क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं है कथाएं कैसा है ये मेला आयोजित हुआ, कैसे इसकी पुरानी कथाएं हैं। तो फिर ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधा अपने पिताजी के पास चलते हैं, श्री नारायण सिंह जी के पास। तो चलिए। मैं नारायण भाव, ग्राम डोबरी का निवासी, मासी ग्राम सभा के चक डोबरी में रहने वाला निवासी हूँ। और मैंने अपने बुज़ुर्गों से इस सोमनाथ के मेले के बारे में सुना है। ये सोमनाथ जो है एक शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ मेला है। ये पहले भटोली के भीड़ों में होता था। बल इस सोमनाथ मेले का जो है बहुत काफ़ी एक हफ्ते से पहले से ही लोग यहाँ आ जाते थे अपना राशन पानी लेके, और वैसे ही व्यापारिक मेला था। लोग चल के आते थे बहुत दूर दूर से। इस टाइम गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, इस वजह से ये मेला भाव के होता था। तो इस मेले में जो था, पहले सल्डिया होता था, फिर उसके बाद थुलसुनाथ होता था, फिर उसके बाद दुकान नानसुनाथ होता था, फिर उसके बाद दुकानें कौतिक होता था, फिर उसके बाद नान दुकानें कौतिक होता था, फिर उसके बाद खेड़ू मेड़ू कौतिक होता था। तो ये ऐसे मेला जो है एक हफ्ता यहाँ चलता था, और एक हफ्ता करके ऐसे 15 दिन चलता था। पहले से ही लोग अपने जो भी सामान था उसको बेचने के लिए यहाँ आते थे। ये जैसे आज काशीपुर में चैती मेला लगता है, उसी हिसाब से ये मेला यहाँ पहाड़ का यहाँ पे लगता था। बहुत दूर दूर गढ़वाल कुमाऊँ का क्षेत्र से आते थे लोग। तो इसमें जो था, एक मालदेह कन्हूनी नाम का राजा था, जो कन्हूनी जाति के लोग रहते थे, तो इसलिए एक यहाँ वार एक मछाव लोग रहते हैं। और तो वो जो कन्हूनी लोग थे, वो अपना रामनगर में परचेजिंग करने के लिए जाते थे, तो उनके साथ अपने लठैत और वगैरह वगैरह लोग जाते थे। तो वहाँ सल्ड में एक कलौ जाति के लोग रहते थे। आज मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो वो एक बगड़ बगड़ के ऊपर कुलौ बाखई के नाम से ऐसा सुना है हमने। तो वहाँ वहाँ उस गांव में ठहरते थे जब रामनगर को जाते थे, तो उनको लोगों को परेशान करते थे। बल तो उनको एक दिन वहाँ झगड़ा टाइप का हो गया, तो उसके बाद वो वहाँ झगड़ा से उनको गांव वालों को काफ़ी टॉर्चर किया गया। फिर उसके बाद ये वो आते थे। फिर उसके बाद एक लड़का जो था, वो उस टाइम अम्मा के पेट में था, बस उस अपने मुकुट में, तो उसका नाम बाद में वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके नाम था सुपु कलाव। तो सुपु कलाव जो था, तो उसको वहाँ अब उसके गांव के लोग या उसके ननिहाल के लोग टॉर्चर करते थे। तो उसको कहते थे, भैया तेरा जो है वहाँ मासी क्षेत्र में एक मालदेह कन्हूनी नाम का राजा है, और वो उसने तुम्हारे वंश को वो किया, टॉर्चर किया। उसके बाद जब ये मेला यहाँ चलता था, तो एक दिन वो अपने हुड़के के साथ, यहाँ पे एक पेड़ था पहले हुड़के समाओ, वहाँ पे वो अपने अपने ठिए यहाँ पहले से ही लग जाते थे, तो वो भी अपने हुड़के के साथ यहाँ पहुँचा। तो पहुँचा तो उसने मालदेह कन्हूनी को जो है, बहुत ताकतवर इंसान था वो, ये कटार के साथ मालदेह कन्हूनी का पेट फाड़ दिया था उसने। तो फाड़ दिया था तो उसके पेट में 8 पसेरी कहते हैं कि दाल और चावल निकले थे। तो वो भगदड़ में जो है मेला वार आ गया, मासी क्षेत्र में आ गया वार। तो उसके बाद फिर जब वार आ गया, तो उसके बाद और वो जो सुपुकलो था वो ऐसे कन्हरे के रास्ते भागा। तो दुबाड़ी के ऊपर एक गैसी है, उस गैसी में उसने अपने कटार को मारा, जिस कटार से मालदेह कन्हूनी का पेट फाड़ा था उसने। तो मालदेह का उसके बाद वो तो वहाँ से वो जब झांसी फटी, तो उसको यकीन हो गया कि ये जो है वो मारा गया करके। तो वो तो निकल गया यहाँ से बच के। उसके बाद ये मेला जो है वार आ गया भगदड़ में। जो निशान नगरे वगैरह वगैरह यहाँ लाते थे, वो सब वार फेंक आ गए भगदड़ में। इधर भगदड़ मच गई, तो ये मेला फिर वार आ गया। फिर ये उस साल से ये मेला, अब वो कितने वर्ष हो गए हैं, 57 साल की उम्र मेरी हो गई है, हमारे अपने बुज़ुर्गों से सुना, उनकी कितनी उम्र हो गई है। तो ये मेला तो बहुत
परचैनिंग मेला है, बहुत पहले से यहाँ होता है, पुराणिक मेला है। तो अब जो है ये कंपटीशन हुआ, तो उसके बाद ये पार के लोग भी अपने नंगरे लेके आते हैं, जितने उनके क्षेत्र में गांव आते हैं कन्हूनी के, 8-9 जोड़ी के नंगरे वहाँ से आते थे, वैसे ही यहाँ ग्राम प्रधान 9 जोड़ी के, जो 9 गांव जो थे थोकदार के पास थे, तो वो थोकदार भी अपने गांव के लोगों को लेके आते थे। उसके बाद कंपटीशन होता था, एक जगह बना रखी थी, उसके बाद वो निशान वाला नदी में एक पत्थर फेंकता था और वो एक घूंट पानी पीता था, तो उनकी जीत मानी जाती थी। तो इसमें ऐसे ही बहुत साल चलता रहा, तो उसमें जो है खून खराब हो जाता था, निशानों से चोटें लग जाती थी लोगों को। उसके बाद फिर मुकदमबाजी हुई, फिर कोर्ट में ये केस चला, उसके बाद इस मेले का जो है कुछ किसी पहले बार वो जीत गए, फिर ये जीत गए, ऐसे करके चलता रहा। तो नियम शर्तें फिर इसमें रखी गई, फिर उसके बाद ये कहे गए कि भैया ये, फिर कोर्ट ने फैसला किया कि ये मेला जो है एक बार कन्हूनी जी वाले जीतेंगे, वो आएंगे पहले थौ में, और एक बार मासी वाले आएंगे। तो इस वजह से इस मेला का आज शांतिपूर्ण तरीके से मेला का आयोजन होता है। तो पहले ही एक महीने पहले ही बैठक बैठ जाती है, तो उसके बारे में सूचित किया जाता है, डीएम एसडीएम सभी लोग उसको कहते हैं, जिस गांव की जीत होती है उसी के ग्राम प्रधान, उसके जो क्षेत्र के लोग होते हैं वही उसी में से अध्यक्ष बनता है मेले का। मेला का आयोजन होता है, अच्छे ढंग से मेला चल रहा है। तो आज जो है तो कोरोना के वजह से 2 वर्ष के बाद फिर मेला होना पाए, भारी मेला यहाँ होने वाला है, इसके लिए तैयारियाँ अभी से चलने लग गई हैं, और आज नतण है 8 दिन के बाद। और इसमें जो है तो कन्हूनी वाले उस वर्ष जब से मालदेह कन्हूनी को मारा गया, वो अपने छत में नहीं जाते थे, वन मांस और मसूर की दाल नहीं खाते थे, ये ऐसा हमने सुना है अपने बुजुर्गों से। तो ये मेला ऐसे ही चलता गया, तो अपना अपना स्थान है, और स्थानों से अपने थौ में आते हैं, यहाँ एक थौ है, वहाँ थौ में पहले जिसकी जीत होगी वो आएगा, एक साल वो आएंगे आगे, एक साल वो आएंगे, इस ढंग से ये मेला यहाँ पे होता है। धन्यवाद। और आपने सुनी हमारे पिताजी की जुबानी ये सोमनाथ मेले की कहानी, पर इसमें जो भी कोई भूल चूक हुई होगी तो हमें माफ़ करना, क्योंकि हमने अपने पिताजी सुनाया और पिताजी ने अपने बुजुर्ग सुनाया, इसमें कोई भूल चूक होगी तो हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कि क्या भूल चूक रही। तो फिर और 2 वर्ष बाद ये भव्य मेला बहुत ही ऐतिहासिक होगा और बहुत ही भव्य रूप से होगा सोमनाथ मेला हमारा, जो गेवाड़ घाटी क्षेत्र में सोमनाथ मेला लगने वाला है 8 मई से, तो आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी को, हमारी गेवाड़ घाटी क्षेत्र की इस ऐतिहासिक सोमनाथ मेले की कहानी सभी को पता चले, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही हम आपको सोमनाथ मेले का भव्य रूप आपको दिखा सकें पहुँचेंगी। तो आज के लिए राम राम, टाटा, बाय बाय।